मांग को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स का धरना प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर एक बार फिर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और पीयू के गेट नंबर 2 को एक बार बंद कर दिया गया। करीब एक घंटे तक उन्होंने पीयू के गेट पर प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन कुमार ने कहा कि अगर सरकार जल्दी उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का बहिष्कार किया जाएगा। अब कहने के लिए सर क्या बताएं? आप देख रहे हो कि हमारे करीब करीब सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री, सांसद, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी सबसे हमारी बातचीत पॉजिटिव है। उन सब ने एग्री किया कि वैक्सीनेशन हमारा राइट है, जो कि बहुत दिनों से ड्यू है, 6 साल। तो अगर इस चीज को नहीं दिया जा रहा है तो संघर्ष के सिवा हमारे पास कोई रास्ता बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही फैसला नहीं लेती है और टीचरों को सातवां वेतन आयोग नहीं मिलता तो आने वाले दिनों में अपना प्रदर्शन तेज करें। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो राजकुमार ने आर्ट्स कॉलेज चुनाव क्षेत्र से जीतने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तरुण घई की सदस्यता को रद्द कर दिया था। पीयू के वीसी द्वारा इस फैसले को लेकर डॉक्टर तरुण घई ने भी चर्चा खोल दिया है। डॉक्टर घई वीसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने बताया कि वो फिलहाल 24 घंटे के लिए शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं और वो रात को भी धरने पर बैठे रहेंगे, लेकिन उनकी मांग पर वीसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। डॉक्टर तरुण घई का कहना है कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस पूरे मामले की वो स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग करते हैं और इस पूरे मामले में वाइस चांसलर को जल्द से जल्द सस्पेंड करना चाहिए। पीयू में सीनेट के गठन को लेकर बीते 1 साल से विवाद चल रहा है। पहले पीयू की मौजूदा सीनेट को ही खत्म कर उसमें बड़े स्तर पर बदलाव करने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर पीयू प्रशासन को सीनेट चुनाव कराने पड़े। चुनाव को लेकर भी बेंच फंसता गया और चुनाव 4 से 5 बार स्थगित करना पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने 26 तारीख को हियरिंग से ही जिदे विच मेनू भी बुलाया गया और उस तो बाद ऑर्डर पास किया कि तरुण घई की जी सैनेट की मैंबरशिप और कैंसल किया जाए। मैं उदन जी हेयरिंग से उदन भी वीसी साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, मैं वीसी साहब के सामने कुछ तत्थ पेश किए। वीसी साहब ने जी मेरी मैंबरशिप कैंसल की थी, वो कहें कि तुम किसी कॉलेज टर्मीनेट हुए हुए हो, सो जो तुम प्रोफेसर ही है नहीं गए किसी कॉलेज के, तो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रजेंट कि कर सकते। मैं वीसी साहब को कहा कि वीसी साहब मेरी टर्मीनेशन 23/6/2021 को हुई इलेक्शन तो पहले और उस तो बाद पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर वालों इधरों चिट्ठी गई है जिसे तरुण घई की जी टर्मीनेशन है उन्होंने इलीगल किया गया। यूनिवर्सिटी की चिट्ठी है जिसे कहा गया कि कॉलेज ने SPM कॉलेज मटेरिया डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर के है जिन्हें कि वायोलेट किया यूनिवर्सिटी कैलेंडर और तरुण घई इलीगल वे टर्मीनेट। डॉक्टर मनोज ने आरोप लगाया कि जिस समय डॉक्टर तरुण घई ने चुनाव लड़ा